गुड मॉर्निंग, हाय। सो 1 फरवरी 2024, आपका स्वागत है। विवेक गुप्ता बोल रहा हूँ, MBBS काउंसलर, MBBS कंसल्टेंट से ऊपर एक करियर कंसल्टेंट। और जिस तरह हम सभी जानते हैं कर्नाटका ने अपना फॉर्म निकाल रखा है, इसी तरह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 4 ही मशहूर लोग हैं, पहले 3 थे एक्चुअली, केरला, CMC वेल्लूर और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और अब इस साल चौथा जुड़ गया जो कि नीट फॉर्म से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर देते हैं। उसका देखिए कारण ये है कि नीट फॉर्म आएगा, फिर भरा जाएगा, फिर पेपर होगा, लेकिन ये सब लोग, वैसे तो बाकी सब भी करते हैं, कि अब जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी तो दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी है जो बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाती है, BBA, BCA, BGMC, लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसी के अंदर वो MBBS भी पढ़ाती है। तो उसकी वजह से चूँकि MBBS भी इंक्लूड है तो ये फॉर्म तो कॉमन निकला है सारे अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए, तो अपना फिर जो MBBS, BDS या BSc नर्सिंग हो गया उसका फॉर्म भी ओपन हो गया है। डेफिनेटली आपको कोई अलग से पेपर नहीं देना होगा। हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में अब MBBS, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, BDS सबके एडमिशन के लिए एक ही पेपर है, नीट। तो वो पेपर होगा 1st Sunday of May में। तो जैसे हमने कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन करा वैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1500 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। और फिर से आप IPU वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे और होम पेज पर जाके आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, कल से आप अपना फॉर्म भर लेंगे। 31 मार्च एज ऑफ नाउ लास्ट डेट है ये फॉर्म भरने की। सच्चाई बताऊँ तो हर साल ये बाद में एक्सटेंड होता है और फर्स्ट रजिस्ट्रेशन अलाउ किए जाते हैं, बट फिर भी रिस्क को लें, बात 1500 रुपये की ही है। किसको ये फॉर्म भरना है? देखिए IP के अंदर सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि दिल्ली में खाली सरकारी कॉलेज ही हैं, जामिया हमदर्द को छोड़ के, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी MCC के अंडर आता है। और दूसरा ये है फॉर 85% दिल्ली कोटा। तो ये फॉर्म तभी और तभी भरना है जब पहले आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली से बिलोंग करने की परिभाषा बहुत क्लियर है, 11th 12th आपने किसी भी दिल्ली के स्कूल से करी हो जिसका एड्रेस में दिल्ली का पिन कोड है। तो ये तो पहली एलिजिबिलिटी है आपको ये फॉर्म भरने की। लेकिन अदर देन इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज आता है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ACMS, जिसमें 100 में से 86 सीटें आर्मी वाले बच्चों के लिए हैं पूरी इंडिया, और बाकी सीटें दिल्ली कोटा है। तो अगर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर ये फॉर्म भरना चाहिए, आप दिल्ली के हों या ना हों। तो बट अगर आपका आर्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई आपका आर्मी का प्रायोरिटी नहीं लगती है, तो फिर आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप दिल्ली डोमिसाइल से बिलोंग नहीं करते। इस कॉलेज में दिल्ली जर्नल के लिए कोई सीट नहीं है, ACMS की, सॉरी मैं बात कर रहा था। तो उसमें दिल्ली के कोटा लगते हैं, SC ST एक्सेट्रा, और आर्मी के लिए सीटें हैं। उसके लिए जो जो फॉर्म भरने हैं, जो जो अपेंडिक्स है, पूरे 160 पेज का फॉर्म आ गया, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि हाँ भाई, क्योंकि भाई फिर से हमें कल से फ़ोन आने लग गए ना, तो अगर दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, मतलब कि आपकी 11th 12th दिल्ली की नहीं है, आप UP के हैं, MP के हैं, कर्नाटका के हैं, क्योंकि कुछ एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, इस चीज़ को ऐसे फैला देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया कि IP का फॉर्म निकल गया और जल्दी से भरो और जल्दी से हमें एंगेज करो और फीस भरो। तो मैं वो क्लैरिफाई कर रहा था, दिल्ली से बिलोंग करना है, सिर्फ सरकारी कॉलेज हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये भी पता है कि दिल्ली जनरल का मैं हूँ और मेरे 600 नंबर आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो भी आप अपने 1500 रुपये चाहे तो बचा सकते हो, पर रिस्क लेने वाली बात है तो भर लो। पर दिल्ली डोमिसाइल नहीं है, आर्मी भी नहीं है, फिर ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप MBBS एक्सेट्रा देख रहे हो। इसके अलावा जो भी देख रहे हो, जो बाकी कोर्सेज हैं, लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके लिए तो खैर बच्चा फॉर्म भरता ही है। सीटें इसमें दिल्ली के लिए भी होती हैं, बाहर वालों के लिए भी होती हैं, बिकॉज इट्स ए कॉमन फॉर्म और कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर द एंटायर इंद्रप्रस्था, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी। ओके, और जैसा ही कर्नाटका IPO, जैसा हमने कहा कि अब स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी MBBS 2024 के लिए एडमिशन प्रोसेस, आप हमसे संपर्क करना चाहें, यू नो अवर नंबर 9643362320। लेकिन आप ये भी जानते हैं यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, और आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो मिलेगा कि हमारे MBBS के वेरियस पैकेजेस कैसे हैं। लेकिन फिर भी पहली बात करने के लिए भी आपको मिनिमम 2500 रुपये फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग और 5000 रुपये फॉर फेस टू फेस काउंसलिंग देना पड़ता है, उसके बाद ही आप मुझसे संपर्क कर पाएंगे। अब सभी जानते हैं कि नॉर्मल करियर काउंसलिंग और MBBS इंडिया, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पर्सनली करता हूँ, आपके साथ करता हूँ, और इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होता अदर देन दिस फर्स्ट फ़ोन कॉल जो मेरा टीम मेम्बर उठाते हैं। ओके,
सो तभी फ़ोन कीजिए व्हेन यू आर हैप्पी टू पे फी। और मैं हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को कि जो लोग 1 करोड़ की प्राइवेट MBBS फीस लेना चाह रहे हैं या अपने बच्चे के करियर के लिए परेशान हैं, दुविधा में हैं, तो उनके लिए 2500-5000 रुपये तो शुड बी ए चिल्ड्रन और पीनट्स। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और देखते हैं आज बजट में निर्मला जी क्या लेकर आती हैं हम सबके लिए। टेक केयर।